एक्टर देवानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी को स्टार रह चुकी हेमा मालिनी ने एक हार्ट फेल्ट पोस्ट लिखा है और उन्हें याद किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हेमा मालिनी ने लिखा, आई हैव सच लवली मेमोरीज ऑफ देव साहब हु वॉज इन फैक्ट द हीरो ऑफ माई सेकेंड बिग रिलीज विद अ टॉप एक्टर। आई वॉज रॉ एंड इन ऑ बट ही क्विकली पुट मी एट ईज एंड बिहेव्ड एज इफ ही वॉज अ गुड फ्रेंड। दिस एटीट्यूड कंटिन्यूड टिल द एंड ऑलवेज एक्सूडिंग एनर्जी दैट वुड स्टिम्युलेट एवरीवन। आई वुड नेवर फील लो और सैड व्हेन ही वाज अराउंड। हिज कॉलिंग मी हेमा स्टिल रेवरबरेट्स इन माय इयर्स। आई ट्रूली लव्ड हिम फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन दैट ही वाज एंड मिस हिज वार्म प्रेजेंस इवन टुडे। हैप्पी बर्थडे देव साहब। अपनी अपकमिंग मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग के लिए वरुण धवन, जानवी कपूर सहित पूरी स्टार कास्ट उदयपुर पहुंची थी। इस दौरान शहर की गलियों में स्कूटी पर जानवी को बैठाकर वरुण धवन घुमाते नजर आए और यहां जैसे ही फैंस को इनकी मौजूदगी का पता चला वो उनके साथ सेल्फी लेने पहुँच गए। फिल्म की शूटिंग लोकेशन के आस पास भारी भीड़ उमड़ रही थी। स्त्री 2 के सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर फुल ऑन एक्टिव हो गई है और रिसेंटली श्रद्धा ने अपने फैंस के साथ शेयर किए एक खास फोटोशूट की पिक्चर्स जिसमें श्रद्धा एक ब्लैक कलर की साड़ी में स्टनिंग दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह अब अपने फैमिली टाइम से ब्रेक लेकर अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, वी हैव हैड अ वेरी प्रोडक्टिव शूट इन बैंकॉक थाईलैंड। नाउ रणवीर इज ऑल सेट टू गेट बैक टू द शूट इन नवंबर फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल। वी कैनॉट गिव आउट डिटेल्स अबाउट द वेरियस लोकेशंस एट दिस पॉइंट बट द एक्साइटमेंट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सट्रीमली हाई आफ्टर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दैट वी हैव सीन ऑन स्क्रीन विद द फर्स्ट शेड्यूल। रिसेंटली करण जौहर ने मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने की प्राइस पर कमेंट करते हुए कहा था, आज की फैमिली को फिल्म देखने के लिए 10,000 रुपीस खर्च करने पड़ते हैं जो कि काफी ज्यादा है। जिस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने रिएक्ट करते हुए कहा कि एक फैमिली के 4 पीपल के लिए मूवी की प्राइस सिर्फ 1,560 रुपीस है।